आप में से बहुत से लोग परेशान होंगे अपने फेस शेप को लेकर कि हम लोग कैसे पता करें कि हमारा फेस शेप कौन सा है। तो उसके लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है और एकदम से न्यू ट्रिक है भाई। ये कोई पुरानी वाली ट्रिक नहीं है कि इसके लिए आपको मेजरमेंट टेप की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई मेजरमेंट स्केल की जरूरत पड़ेगी। ये कोई पुरानी वाली ट्रिक नहीं है, एकदम से न्यू ट्रिक है और इससे आप बहुत ही जल्दी अपना फेस शेप पता कर सकते हैं कि आपका फेस शेप कौन सा। सिर्फ 10 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि आपका फेस शेप कौन सा है। और आपका फेस शेप मेजर होने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे पता करें कि आपके फेस के ऊपर ये वाली हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है। जैसे कि आपको किसी मॉडल की हेयर स्टाइल अच्छी लग गई तो आप लोग कैसे पता करें कि वो आपके फेस शेप के ऊपर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने फोन से ही पता कर सकते हैं कि ये हेयर स्टाइल आपके ऊपर अच्छी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना फेस शेप मेजर कैसे करें। तो उसके लिए आपको अपना फोन चाहिए, फोन में जाके आपको ओपन कर लेना अपना फ्रंट कैमरा। अब फ्रंट कैमरा ओपन करने के बाद में आपको ऐसी प्लेन दीवार चाहिए पीछे, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी एक सेल्फी लेनी है। अब सेल्फी आपको कैसे लेनी है, उसके लिए ना ही आपके फेस के ऊपर कोई स्माइल होनी चाहिए और आपका हाथ एकदम सीधा होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब सेल्फी लेने के बाद में आपको एक पिक आर्ट एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। अब पिक आर्ट ओपन करने के बाद में आपको अपने पिक्स को उसमें सिलेक्ट कर लेना है। पिक्स को सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है ड्रॉ में, ठीक है। ड्रॉ में जाने के बाद में आपको कोई भी कलर चूज कर लेना है। अब कलर को चूज करने के बाद में आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं मेरा स्क्वायर फेस शेप नहीं है, ठीक है। अब दूसरा ट्राई करते हैं यहाँ पर। अब मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड फेस शेप भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा ट्राई करते हैं, ये देखिए, ये है मेरा फेस शेप, मतलब कि डायमंड फेस शेप है मेरा। भाई आप लोगों ने खुद देखा कि कितनी सिंपल ट्रिक है और मैंने कितने जल्दी पता कर लिया कि मेरा फेस शेप कौन सा है। इसी तरह से आप भी पता कर सकते हैं कि आपका फेस शेप कौन सा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हेयर स्टाइल कैसे पता करें कि आपके ऊपर अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही। तो उसके लिए भी आपको गूगल ओपन कर, गूगल में आपको ये डालना है, आप जो भी आपका फेस शेप है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको सर्च कर देना है, अब जो भी हेयर स्टाइल है या फिर आपको जो भी हेयर स्टाइल पसंद हो उसका आपको पिक सेव कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आप कितनी सारी हेयर स्टाइल आ गई है डायमंड फेस शेप के हिसाब से, ठीक है। अब आपको ऐसी हेयर स्टाइल देखनी है जिसका फेस एकदम मतलब कि सीधा हो, ठीक है। अब कोई भी देख लो इसमें से, कोई भी हेयर स्टाइल चूज कर लेता हूं मैं रैंडमली। अब जो भी हेयर स्टाइल आपको अच्छी लग रही है उसका आपको पिक सेव कर लेना है। अब इस पिक को सेव करने के बाद में अब आपको पिक साइट में इस पिक को खोल लेना है। अब इसके बाद में आपको जाना है ऐड फोटो में और जो अपना वाला पिक है उसको लेना है, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद में अपने वाले पिक को करना है आपको क्रॉप। अब मैं आपको बताता हूँ क्रॉप कितना करना है आपको। तो आपको इस तरह से क्रॉप करना है, आपका सिर्फ फेस फेस आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अब क्रॉप करने के बाद में आपको इसको सेव कर लेना है और फिर जो भी आपको हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है उसके ऊपर आप इस तरह से लगाकर देख सकते हैं ये आपके फेस के ऊपर अच्छी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। भाई लोग आप खुद देख सकते हैं कि दोनों कितनी सिंपल ट्रिक थी, पहली अपना फेस से पता करने की कि आपका फेस से कौन सा है और दूसरी की अपने फेस के हिसाब से कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। अब आपको जो भी मॉडल आपका फेवरेट हो, मतलब जो भी आपको हेयर स्टाइल अच्छी लगती हो, वो जैन मलिक हो या दानिश जहन हो, कोई भी हो, तो उसका आप पिक कैप्चर करें और इस तरह से अपना पिक लगाएं और आप इजिली पता कर सकते हैं कि वो हेयर स्टाइल आपके ऊपर अच्छी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। और भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि फेस शेप बहुत तरह के होते हैं, मतलब कि 6 या 8 तरीके के होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। फेस शेप सिर्फ 4 तरीके के होते हैं, वो होता है राउंड होता है, ओवल होता है, स्क्वायर फेस शेप होता है और भाई रेक्टेंगुलर फेस शेप होता है। और बाकी जो फेस शेप होते हैं जैसे कि डायमंड हुआ, हर्ट हुआ, वो सभी इन्हीं के वेरिएशन होते हैं। जैसे कि ट्रायंगुलर फेस शेप में आ जाता है हमारा डायमंड फेस शेप और हमारा हर्ट फेस शेप, ठीक है। और जैसे कि स्क्वायर फेस शेप में आ जाता है हमारा रेक्टेंगुलर फेस शेप, ऐसे भाई ये सभी के वेरिएशन होते हैं। बस सिर्फ 4 तरह के ही फेस शेप होते हैं, आपको बस इन 4 पर ही ध्यान देना है, ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं देना। अब इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर फेस शेप के ऊपर हेयर स्टाइल आप रख सकते हैं वही आप रेक्टेंगुलर फेस शेप के ऊपर भी रख सकते हैं। जो हेयर स्टाइल आप डायमंड फेस शेप के ऊपर रख सकते हैं वही आप हार्ट फेस शेप पर रख लें, ट्रायंगुलर फेस शेप पर रख लें, ये सारे एक ही हैं। आज मैंने आपको 2 सिंपल ट्रिक बताई है अपना फेस शेप मेजर करने के लिए और दूसरी हेयर स्टाइल पता करने के लिए कि आपके फेस शेप के ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके ही जाना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करके ही जाना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना।